area of change of education, phase of change of education. Very few engineering colleges. There were some 4 to 5 engineering colleges. And when I joined here, all teachers, So I went over there. I was in the लाइफ में कभी आगे दिक्कत ना आए। आप अगर हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड्स presented to you by humans of HBTU. Today, we are honored to have among us respected Dr. Vikas Yadav sir, who has tremendous experience in the field of sports and is currently serving as physical instructor and USAC deputy secretary of our esteemed university. Welcome, sir. Sir, शुरू करते हैं सर, आप अगर बताना चाहें आपकी क्या motivation या drive थी for opting sports as your career? जहाँ तक मोटिवेशन और स्पोर्ट्स कैरियर की बात है, तो जब स्कूलिंग डेज में क्या होता था कि पहले हम लोग खेलने जाते थे तो कभी ये सोचा नहीं था कि हम इसे कभी कैरियर और करके या इस तरह के करेंगे, तो जस्ट एंजॉय के लिए हम लोग खेलते थे. तो स्कूलों में इंटर हाउस कंपटीशन होते थे, उस इंटर हाउस कंपटीशन में ये रहा कि जब मैचेस हुए, रन्स बनने लगे, तो ये लगा जब और दोस्त कहने लगे कि आप अच्छा खेलते हो या ये है वो, तो एक मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो ग्राउंड लेवल से किसी भी स्तर से आ सकती है. तो मुझे मोटिवेशन उस समय मेरे जो फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, उसके बाद जो मेरे टीचर्स रहे, उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या रीजन लेवल या इस तरह से रहा, तो मैं उस तरह खेलता गया. एंड आई थिंक आई एम सो मच लकी बिकॉज जब मैं 10th में था तब मैं अंडर 19 की टीम में था. अंडर 19 में 10th में खेला. अच्छा सर, आपका मतलब बहुत सारे डेकेड्स का रिच एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो आप क्या चेंजेस इस फील्ड में विटनेस करते हैं जब आपने शुरू किया था करियर और अब जब आप यहाँ पर हैं? इसमें दो चीज़ें हैं. जब हमने करियर शुरू करा था तो उस समय मनी बेस्ड नहीं था, प्रोफेशनलिज्म था लेकिन इतना नहीं था. लेकिन उस समय क्या था कि हम एक पैशन था, एक जुनून था कि हमें खेलना है. तो उस खेलने के लिए हम ये नहीं देखते थे कि आज सुविधाएं क्या थी क्या नहीं है क्या, हमें बस एक ही जुनून था, हमें खेलना है. और उस खेलने के लिए हम लोग हमेशा मतलब इस तरह रहते थे कि स्कूल की जैसे छुट्टी हुई, 2 बजे क्लासेस ख़त्म हुई, 2:30 बजे क्लासेस ख़त्म हुई, हम 3 बजे ग्राउंड पे. या स्कूल में जैसे कभी छुट्टी हुई तो सवेरे हमारा डेली का रूटीन था कि हम सवेरे जैसे असेंबली होती थी 7 बजे, तो हम 5 बजे ग्राउंड पर आ जाते थे. तो आज के दौर में क्या हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज प्लेयर सुविधा की ओर ज़्यादा जाता है बजाय इसके कि जो अपना इनपुट ये देने के कि हमें सिर्फ खेलना है. तो जो एक लगन होती खेलने की, नो डाउट आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो जुनून था वो मैं समझता हूँ पहले ज़्यादा था. सुविधाएं कम थी, जुनून ज्यादा था. आज सुविधाएं ज्यादा है, प्रोफेशनलिज्म में एग्जैक्टली मनी इन्वॉल्व हो गया. मनी इन्वॉल्व का मतलब ये भी है कि आज के दौर के हिसाब से वो सुविधाएं चाहिए. अगर प्लेयर मान लो प्लेयर्स हैं, अगर वो अच्छी जगह या 5-स्टार होटल्स या उसको इस तरह नहीं मिलेगा तो वो जल्दी जाएगा नहीं खेलने. हमारे टाइम में क्या होता था, हम कभी होटल या कभी सोचते भी नहीं थे, इवन रिजर्वेशन भी नहीं होता था, तब भी ट्रेन में ये है कि नहीं हमारा मैच या हमें पहुँचना है, एक जुनून. यस सर. सर, अगर आप शेयर करना चाहें अपने अब तक के वर्किंग एक्सपीरियंस और आपने कहाँ कहाँ काम किया, जैसे हम लोगों को पता चला सर यू हैव वर्क विद वेरियस BCCI एंड वेरियस कमिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और आप सर कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पोर्ट्स भी रहे हैं अब तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके बारे में अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें. देखिए, जहाँ तक कोचिंग या जहाँ तक कि प्रोफेशनल या अपना इसका एक्सपीरियंस की बात है, जॉब की बात है, जॉब एक्सपीरियंस की बात है, तो मैंने अपना करियर जो स्टार्ट करा वो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है. कानपुर. तो मैं वहाँ पे क्रिकेट कोच कानपुर रहा.
मैं लगभग वहाँ पे 2002 से लेके 2005 तक वहाँ पे रहा, और वहाँ पे एक हॉस्टल है, क्रिकेट का हॉस्टल है, जहाँ से कई इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलप हुए, मोहम्मद कैफ, ज्योति यादव, गोपाल शर्मा, ज्ञानेंद्र पांडे, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स। तो मैं, मेरे पास में उसका भी चार्ज रहा, और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके बाद भी बने जिन्होंने इंडिया अंडर 19 टीम की कैप्टेंसी भी करी है, जिनमें तन्मय श्रीवास्तव और बहुत से इंडिया अंडर 19 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, प्रवीण गुप्ता जो भी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं यूपी के जूनियर, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स डेवलप हुए। सर, मेरा इसी से जुड़ा अगला सवाल था कि आपने अब तक बहुत सारे प्लेयर्स को कोच किया होगा, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंटरनेशनल लेवल टिल डेट। सर, अगर आप उनके नाम शेयर करना चाहें जिन्होंने स्टेट लेवल टीम्स में या नेशनल लेवल टीम्स में पहुंचे और आपका नाम रोशन किया। देखिए, नाम रोशन तो जाहिर सी बात है कि जिले का होता है, एक टीम होती है जिसमें, तो हर एक को अपने नाम पे ये रहता है कि हाँ, हो सकता है कि वो हमारे पास रहा, हमने उसको 0.1% ही जी कुछ कोचिंग दी हो जी। तो जब कोई प्लेयर बड़ा होता है तो वो किसी एक कोच का उसमें योगदान नहीं होता, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो उसके टीचर हों, कोचेस हों, पेरेंट्स हों। तो जब प्लेयर्स बड़ा हो जाता है तब ये लगता है कि हाँ, ये वो है। लेकिन मेरे पास में बहुत से कई इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, बहुत से जिनमें कुलदीप यादव हैं और अक्षदीप है, रिंकू सिंह है, उपेंद्र यादव है, सौरभ कुमार है, भुवनेश कुमार भी कैंप में 15 अंडर 15 कैंप में रहा। तो लगभग मैं, क्योंकि यूपी की जो पहली जूनियर की सीढ़ी होती इन है, प्लेयर्स अपना स्टार्टिंग करियर आपके साथ, जहाँ से जो यूपी की पहली सीढ़ी होती है, जो अंडर 15 और अंडर 16 लेवल के होते हैं, जो बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स हैं, तो मैं 2003 से लेके 2014 तक लगभग 13 ईयर्स में जो हूँ यूपी की जूनियर टीम का कोच रहा हूँ, और बड़ा लंबा मेरा अनुभव रहा है प्लेयर्स के साथ में जी। सर, अभी भी जैसे बीसीसीआई की कुछ स्कीम्स रहती हैं कि प्लेयर्स के कोचिंग के लिए भी, जो आपको किस लेवल के कोच हो ये है, तो मैं अभी बीसीसीआई लेवल हाइब्रिड लेवल 2 का अभी मैं कोच करने गया था, यूपीसीए ने मुझे भेजा था मंथ ऑफ अप्रैल मार्च जी। सर, अगर आप HBTI की या अपनी भी कोई अब तक की फेवरेट क्रिकेट टीम और फेवरेट स्टूडेंट्स के बारे में मेंशन करना चाहें। देखो, फेवरेट जहाँ तक की बात है, तो फेवरेट दो चीज़ों में होता है कि आप फेवरेट कहीं ऐसा, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि HBTI को हम कहीं इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करें, वो मेरी फेवरेट है। ये फेवरेट जो होता है वो ये रहता है कि जिस सिचुएशन में, जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट को आपको फेवरेट बनाना पड़ेगा। जैसे HBTU की बात है, तो मैं HBTU के स्टूडेंट्स में ही, स्टूडेंट को फेवरेट बना के ही वो करूँगा, मैं उनसे इंटरनेशनल की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसे ही जब मैं स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंटरनेशनल वालों को दूंगा, तो वहाँ पे अब रही बात के हर लेवल पे जहाँ तक फेवरेट की बात है, तो HBTU में 2011 में बहुत अच्छा स्टफ अभी भी अच्छा है, लेकिन उस समय एक कहते हैं ना, टीम स्पिरिट वाला जो स्टफ था, कि जैसे हमारे पास में मीडियम पेसर है तो वो बैट्समैन है और कीपर, तो सब एक जो ज्वाइंटली वर्क करके काम करते हैं, इसीलिए हम कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की जो एक लीग होती है, वो लीग हम लोग 2011 में, कल 30-40 ईयर से HBTU जो है कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर है और लीग खेल रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम में 2011 में हम विनर हुए थे, लीग चैंपियनशिप हम लोगों ने कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की जीती। सर, नॉट मेनी ऑफ अस वुड बी नोइंग अबाउट योर फैमिली, तो अगर आप उनके बारे में बताना चाहें, वो सब क्या कर रहे हैं, उनके करंट हैपनिंग शेयर करना चाहें हमारे साथ। मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे फादर बैंक में मैनेजर थे जी, मेरी मदर हाउस वाइफ है, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, और मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है मेरा, वो 9th में है, बेटी मेरी 5th जी। ऐसा हमारे, हम लोग को इनपुट मिला, हमारे जो स्पोर्ट्स फ्रेंड्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे एलुमनाई हैं, कि आपका वे ऑफ कोचिंग बहुत हाईली इंगेजिंग है और आप स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करने में बहुत इंजॉय करते हैं, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ये एज अ कोच, कि आप एक ईच एंड एवरी
प्लेयर का पोटेंशियल पहले आप समझें और उसकी उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको कोच करें। एज अ कोच आप किस पे सर क्या व्यूज हैं? एज अ कोच अगर आप बात करोगे तो आप किसी भी फील्ड में हो तो आपको वो टेस्ट जब ही आएगा कि जैसे अब मैं अभी ग्राउंड से बाहर था तो मेरी थिंकिंग थी, मेरे पास 50 मेरी जैसे मैं ऑफिस वर्क या उसके बारे में सोच रहा था जो भी, लेकिन जब मैं ग्राउंड में आता हूँ या जब मैं जो मेरा प्लेस एरिया है जहाँ मुझे कोचिंग देनी है या जहाँ मुझे अपने आप को प्रूफ करना है या डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो वो जस्ट थिंकिंग बदल जाती है वहाँ पे। फिर मैं ये देखता हूँ कि मैं कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टूडेंट का भी जो है वो रिएक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो अगर मैं कह रहा हूँ और वो कर रहे हैं देन इट्स वेरी गुड, और वो कर रहे हैं मैं उसको और बेटर समझा रहा हूँ देन वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से टू वे प्रोसेस होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो चाहे डेमोन्स्ट्रेशन का हो। एग्जैक्टली, वो बहुत फ्रूटफुल होता है। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब इससे अच्छा जब आप अपनी किसी भी चीज़ की जो आपकी स्पेशल जो चीज़ रही हो, स्पेशल जिसमें आपका एक्सपर्टीज रहा हो या आप उसी प्रोफेशन में हो, तो जब आप उसको अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हो और स्टूडेंट्स आपको व्यूज देते हैं तो या आप कहीं स्टेट या नेशनल लेवल पे भी अगर आप कोचिंग देते हो, प्लेयर्स व्यूज देते हैं, देन आई थिंक इट्स रियली अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। यस सर, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहें जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा हो टैकल करने के लिए? देखो, डिफिकल्ट टैकल करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है वो लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे आपने लाइफ वाली बात करी है तो मैं लाइफ की बात करता हूँ। जब आप किसी भी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले कर या कोई भी प्रोफेशन से आप उस पर आके जब आप जॉब की ओर आते हो या ये होते हो, तो उसके जो बीच का पीरियड होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड इसलिए होता है क्योंकि आप सब कुछ कर चुके होते हो और आपको जो जिस मंजिल पे जाना होता है वो जल्दी नहीं मिलती है। यस, वो आपको बहुत चैलेंजेस होते हैं, आपको उसमें टाइम टेकिंग होता है, तो वहाँ पेशेंस बहुत काम, स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स में तो घर का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है। और स्पोर्ट्स में आप जानते हो कि स्पोर्ट्स को हर व्यक्ति स्पोर्ट्स खेलता है, कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन तो होता है, लेकिन वो एक अच्छा स्पोर्ट्स खेलने और उसके बाद में अपने आप को उस लेवल पे ले जाना वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि पढ़ हर आदमी सकता है, लेकिन खेल हर आदमी नहीं सकता। yes. तो और खेल के और उसको प्रूफ करके और अपने आप को एक नए मुकाम पे पहुंचना वो बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए आप देखते हो कि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 5 या 10% ही उस लेवल पे ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 95 है वो नहीं। उसमें ये है कि कम से कम वो चीज़ें सीख जाते हैं, बहुत से अपने हेल्थ बेनिफिट सीख जाते हैं, अपने रूटीन वर्क सीख जाते हैं। तो हर आदमी ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर बनने के लिए ही वो है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो तभी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन। यस सर, हम लोग इंसिडेंट्स की बात कर रहे थे तो जब आप एज अ प्लेयर थे या एज अ कोच, तो अगर आप कोई ऐसा इंस्टेंट हम लोग साथ शेयर करना चाहें जब टीम स्पिरिट या टीम मोरल बहुत डाउन था तो आपने उसको कैसे अपलिफ्ट किया, वेदर इट वॉज थ्रू योर वर्ड्स या आपने ऐसा कुछ खेला? जहाँ तक कि टीम ये वाला मोरल डाउन टीम का था, तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि जब हम कई बार बहुत सी चीज़ें बताते हैं तो एकदम से समझ में नहीं आता, और कई बार हम बहुत छोटी सी चीज़ें बता देते हैं तो बहुत बच्चे पिक कर लेते हैं। ऐसे ही एक बार एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं टीम के साथ में था और टीम अंडर 15 टीम थी और कई लोगों ने उसको मतलब चैलेंज कर दिया था कि इसमें वो है बच्चे बड़े हैं ये, तो बच्चों का मोरल बहुत डाउन हो गया था कि मतलब ऐसा ये हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सारी चीज़ें प्रोसेस में थी। तो हमने उनको यही समझाया कि हमारा पहला काम है कि हमें मैच जीतना है और हमें सारी चीज़ें करना है। एलिगेशंस को साइड में करते हुए, एलिगेशंस अलग चीज़ है, जो हम जिस काम के लिए आए पहला हमारा फोकस ये है कि हमें मैच खेलना है और मैच में हम ना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें, तो और उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए और हम जीते और उसके बाद में
अल्टीमेटली एलिगेशंस जो थे फॉल्स थे। सर आप कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कि वो कोई एक स्पोर्ट्स एटलीस्ट खेले अपने कॉलेज लाइफ में, और ये उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कैसे हेल्प करता है? मैं शुरू से जब से यहाँ पे आया हूँ तो मैंने बच्चों को यही पहला मेरा यही रहता है मोटिवेशन जो बच्चों को रहता है वो ये रहता है कि आप कम से कम अपनी हैबिट में एक ऐसा गेम ले आओ कि जिससे आपको लाइफ में कभी आगे दिक्कत ना आए। आप अगर क्योंकि ये जो पीरियड आपका है 4 साल यहाँ पे हो इंजीनियरिंग कर रहे हो, इस पीरियड में आप अपने ऊपर अगर जितनी चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर लोगे और उसको यहाँ पे यूज़ करोगे तो वो आगे आपको काम आएगी। जब आप यहाँ से जॉब के लिए जाओगे आपके पास टाइम नहीं होगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनपुट वहाँ देना पड़ेगा कि हमें वो, और कंपनी भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट दोनों लेगी, तो हमारा उतना टाइम नहीं होता। अगर आप इस चीज़ को हैबिट में ले आओगे अपना तो आपको ये मालूम है कि हाँ ये मेरा टाइम है, ये फिटनेस का टाइम है, या मेरा ये है, ये मुझे करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर बहुत से यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने अपना स्कूल लेवल पे भी नहीं खेला होता है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, गो फॉर वॉक, गो फॉर साइकिलिंग, या ऐसी चीज़ आप करो जो आप कम से कम कोई फिजिकल वर्कआउट करो, क्योंकि जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हो तो बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं जो आपको फील गुड कराते हैं, तो वो आपको लाना है। और वो चीज़ें आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं जब आप यहाँ से चले जाओगे और जब जो चीज़ें यहाँ हैबिट में डालोगे स्पोर्ट्स से और जो चीज़ें लोगे तब आपको वहाँ पे वो याद आएगी कि हमने ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपने एक करिकुलम में एक ऑलरेडी पार्ट बनाया तो हम वो आप एक सक्सेसफुल आदमी बनोगे। यस, ये मेरा मतलब चाहे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो चाहे थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस हो, और आज भी जो बच्चे यहाँ से पास आउट हैं 17 इयर्स मुझे भी यहाँ हो गया, जो बच्चे यहाँ से पास आउट हैं उनके व्यूज़ आते हैं सारी आते हैं तो वो एग्जैक्टली यही कहते हैं कि सर कम से कम अब हम ये जब देखते हैं बहुत लंबे आवर्स तक हम काम कर रहे हैं तो अपने आप ही हमारा ये रहता है सर हम आज ही थोड़ा सा ये खेल लें, बैडमिंटन खेल लें या कुछ ऐसा खेल लें जिससे हमारी रिफ्रेशमेंट हो जाए। रिफ्रेशमेंट। यस सर, मेरा अगला क्वेश्चन था रिगार्डिंग HBTU। सर, रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन आवर कॉलेज, नॉट मच एम्फेसिस इज लेड अपॉन द रेगुलर स्पोर्ट्स बिसाइड क्रिकेट एंड फुटबॉल टू सम एक्सटेंट। व्हाट स्टेप्स कैन द यूनिवर्सिटी इनिशिएट इन ऑर्डर टू अचीव द बेसिक फैसिलिटीज सच एज प्रॉपर बैडमिंटन कोर्ट, प्रॉपर वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, वेल मेंटेन्ड क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड्स, एंड मे बी प्रोसीड इन मेकिंग अ लॉन टेनिस ग्राउंड और स्विमिंग पूल इन फ्यूचर इन वेस्ट कैंपस, स्पेशली हेयर वेयर स्पेस इज नॉट एन इशू। सर, इसके क्या चैलेंजेस हैं और हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? एट प्रेजेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कंसर्न, वी हैव अ क्रिकेट ग्राउंड एंड क्रिकेट पिच एंड रोलर ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड। इन फुटबॉल वी हैव आल्सो अ वेरी गुड ग्राउंड एंड स्पेस, बट एज फार एज अदर गेम एज यू टॉक रिगार्डिंग द बैडमिंटन एंड TT, इट्स अ इशू बिकॉज वी हैव अ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर and the old structure is I think 50 years or 60 years but we have a badminton court, it's very old. Yes sir. TT, we have at present we have no place, but in the future we are planning to shift TT tables in a newly constructed Shatabdi Bhavan. So it's in our plan just to shift a TT table there. We can construct a sports arena there. We are planning other sports also, indoor activity, and we have also planning that volleyball court. We have planned to put fencing and new poles there so that we can organize a district and inter university level tournaments of volleyball also. We have also have basketball court. It's a floodlight maybe operated court. Yes sir. Rest we are planning. Hope successful in near future.
यस सर, जनरली ऐसा होता है कि जो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लेवल से ही निकल कर आते हैं। अगर हम लोग हरियाणा की बात करें, वहाँ पर लगभग जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वो या तो कॉलेज लेवल में उन्होंने सक्सेस किया और फिर वहीं से वो आगे बढ़कर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेले। सर, ऐसा क्यों हो रहा है या कि ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिकली हमारी यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा प्लेयर स्टेट लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे बास्केटबॉल और कई गेमों में स्टेट बच्चे खेले, इवन नेशनल भी खेल के आए थे। क्या होता है कि जब बच्चा यहाँ पे जैसे कोई भी आता है तो डायरेक्ट किसी भी इंडिया में कहीं भी कॉलेज में डायरेक्ट बच्चा नेशनल नहीं खेला या कहीं भी ऐसा नहीं खेला। उसका जो बैकग्राउंड है, स्कूलिंग बैकग्राउंड है, वो अच्छा रहा होगा, वो स्कूल लेवल पे भी अपना कुछ ना कुछ खेल के आया। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो रैंकिंग है वो अदर कॉलेजेस की अपेक्षा बहुत हाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडियस पढ़ाई वाले ही बच्चे आते हैं। yes. लेकिन उसमें फिर भी कम से कम 2-3% ऐसे बच्चे आते हैं जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से होना उनका ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम उनको एक सर्टेन लेवल तक या एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो बता देंगे कि ऊपर ये आप पहुँच जाइए, लेकिन हम उसको ग्रास रूट से ला के उसको प्लेयर नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रहता है। तो देखते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी अगर हमारे एचबीटीयू की बात करें तो अभी हमारा वो शताब्दी वो चल रहा था वर्ष, तो उसमें हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, तो हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे और जो हमारे पुराने यहाँ के जो पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने कई जिक्र करे कि एचबीटीयू में ऐसा नहीं है, पहले बहुत अच्छे क्रिकेटर आते थे। और उन्होंने 75 का मुझे एक जिक्र भी बताया कि एचबीटीयू में भी एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर, उनका नाम मिस्टर जीएम देसाई जी, 1975 की बात है, यहाँ के पास आउट है। वो बॉम्बे के थे और वो यूपी से भी रणजी ट्रॉफी यहाँ एचबीटीआई में रहते हुए खेले। तो हम आप ये नहीं कह सकते हो कि एचबीटीयू ने दिया नहीं प्रोग्राम। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय के दौर में वो स्कूलिंग बैकग्राउंड से प्लेयर आए यहाँ। आज के दौर में हमें स्कूलिंग बैकग्राउंड के प्लेयर उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं जो प्रोफेशन एज ऑप्ट करे। सर, आप एक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं एनएसएस, योगा सब काउंसिल, स्पोर्ट्स सब काउंसिल एंड महिला अध्ययन केंद्र एज वेल। सर, आप अगर इन सबका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें। स्पोर्ट्स फील्ड से जो हट के और जो चीज़ें रहती हैं, जैसे अभी एनएसएस की बात हो या ये, तो जब एक आप प्रोफेशन में आते हो स्पोर्ट्स फील्ड में, एक एडवांटेज जरूर आपको मिलता है, वो है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसका जो सोशल नेटवर्क है, सोशल बैकग्राउंड है उसका बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोफेशन कनेक्शन उसके बहुत सारे हो, तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। कि अगर एक सपोज एक यूनिवर्सिटी का टीचर जाएगा और उसे ये कहेंगे कि आपको 200 या 100 लोगों को इकट्ठा करना है, और या आपको आप कहीं पे एनएसएस के प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को पढ़ाने ही गए, या स्कूलिंग वहाँ पे है गरीब बच्चों को आपने, लेकिन आपको वहाँ कोई ना कोई ऐसा प्लेयर्स मिल जाएगा या है जो वो सारी चीज़ें ले आएगा, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का एडवांटेज मुझे इसमें भी मिला। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई और भी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा तो उसको भी मिलेगा इस चीज़ें का। और रही बात महिला अध्ययन केंद्र की, तो इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था और सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने जैसे आप कहा कि स्पोर्ट्स का मुझे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला, जितने भी महिला अध्ययन केंद्र के कार्यक्रम है मैंने उसका उसको लाभ लिया। सर, अगर सब चीज़ों का अगर आप देखें तो उसमें अगर आपको कोई एक चीज़ कही जाए जो आपको HBTU की सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो क्या होगी? HBTU की जहाँ तक की बात है तो जो HBTU की जो सबसे अच्छी बात ये है कि नेम और फेम वो HBTU का है, लेगेसी, तो वो कहीं भी रहेंगे, चाहे हम हमारे यहाँ एलुमनाई इतने ऐसे हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं या कहीं पे आजकल सोशल मीडिया है या सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, तो HBTU कनेक्शन जो है वो बहुत लार्ज, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी चीज़ किसी की कोई हो नहीं सकती, कि अगर उसको वर्ल्ड में कि उसके नाम से, उसके एलुमनाई स्टूडेंट्स के नाम से, या उसकी किसी मतलब उस
उस यूनिवर्सिटी हो या जब हम इंस्टीट्यूट थे तब से लेके आज तक उसको जाना जाता हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी की। यस सर, नाउ वी आर कमिंग टू एन एक्साइटिंग सेगमेंट ऑफ आर्स विच इज़ द रैपिड फायर राउंड। वी विल आस्किंग यू शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन, वी आर एक्सपेक्टिंग क्विक एंड क्रिस्प आंसर्स। सर, हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? My inspirations are my parents because they have given me a lot. Sir, anything that scares you? किसी एक चीज से जिसको आपको डर लगता है? मुझे आज तक वैसे डर तो नहीं लगा, लेकिन जब आप जहाँ तक कि स्पोर्ट्स की बात है तो जब हम लोग मैचेस या इस तरह खेलने जाते थे तो या जब कोई ऐसी चीज रहती थी जैसे कहीं पब्लिकली ये सारी चीज़ें हैं तो एक थोड़ा सा वो रहता था, भले ही वो शॉर्ट टर्म का हो, सेकेंड्स का हो, लेकिन वो परफॉर्मेंस पे रहता था, परफॉर्मेंस पे, या परफॉर्मेंस हमारी नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस देनी है, थोड़ा सा वो रहता था कि नहीं आज हमें करना है, लेकिन एक मन में तो सर मोटिवेशन ऐसा काम करता होगा। सर, आपकी हॉबीज बिसाइड्स स्पोर्ट्स? मेरी हॉबीज बिसाइड स्पोर्ट्स तो रीडिंग बुक्स, साइकिलिंग, स्पेशली साइकिलिंग एंड वॉकिंग। सर, एनी एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहें, टू यंगर विकास, इफ यू वुड लाइक टू गिव अपने यंगर सेल्फ को? तो वो चीजें तो लौट के आएंगे नहीं। सर, कुछ अगर एडवाइस देना चाहें कि वो ये कर सकता था तो कुछ बदल जाता? ये बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि दोबारा भूतकाल में जाना या पास्ट में जाना ये अपने आप में एक वो रहता है, क्योंकि अब तो हम वही समझते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, कि अगर वो सही ना होता तो आज हम यहाँ ना होते। सर, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? मेरा फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। सर, योर फेवरेट क्रिकेटर? बॉलर्स की जहाँ तक बात है तो कपिल देव, बैट्समैन की जहाँ तक बात है राहुल द्रविड़। सर, आपकी अब तक की फेवरेट मैच इनिंग्स या परफॉर्मेंस? मेरी फेवरेट इनिंग्स जो रही है वो हिमाचल इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर डिस्ट्रिक्ट में मेरी रही है, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, बाकी अलग अलग लेवल पे रही, यूनिवर्सिटी लेवल पे रही, पर्टिकुलर एक्चुअली क्योंकि जब आप इनिंग बिल्टअप करते हो तभी ग्रो करो। सर, एनी ड्रीम कार या बाइक जो आपके हमेशा से इच्छा थी खरीदने की? इनोवा। सर, योर फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन? आपको सर ट्रैवलिंग पसंद है? माय होम स्टेट हिमाचल प्रदेश। सर, इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टेट सर। सर, आपका फेवरेट टीवी शो और न्यूज़ चैनल? शो क्लोजअप अंताक्षरी। और न्यूज़ चैनल सर? एनडीटीवी। सर, अगर आपको अभी चांस मिलता है किसी और की ज़िंदगी जीने का इसी वक्त, तो आप वो किसके चुनना पसंद करेंगे? कोई ऐसा जिसको आप आइडियलाइज करते हो या आपको बहुत पसंद हो उनकी लाइफस्टाइल, या आपको कोई आइडल हो? मैं कोई आइडल। सर, आपके कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? सभी लोग हैं, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम को नहीं, क्योंकि मेरे सब कोलीग्स हैं, मुझे सभी के साथ अच्छा लगता है। सर, आपको अपने फ्री टाइम पे या वीकेंड्स में क्या करना पसंद है? फ्री टाइम और वीकेंड्स में तो यूजुअली छुट्टियाँ स्पेंड करते हैं, और वो भी हिल स्टेशन। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप एज एन इंडिविजुअल आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस यही है कि आप जिस प्रोफेशन में भी रहें, चाहे वो एकेडमिक्स करियर हो, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड का हो, चाहे व्हाटएवर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे जो भी हो, आपका उसमें कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और आप कमांड जब ही होगा जब आप उसमें इन्वॉल्व हो,
तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व होइए कि जब तक जो भी चीज़, मैंने पहले भी कहा, जैसे जब तक जो भी चीज़ आपका जो एम है उसको हासिल ना करें, और हासिल तभी होगा, नहीं हो रहा तो उसको छीन लो राइट वे से, राइट वे से, गलत वे से नहीं छीन लो। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद उसको लेना कैसे है, ये है, क्रिएट करना आसान है लेकिन क्रिएट करने के बाद अचीव करना जो चीज़ है, क्योंकि अचीव करना एक फिनिश है, जैसे फिनिश होता है किसी भी चीज़ का, दैट इज तो बड़ी चीज़ होती है। तो पहले आपको क्या करना है, या आपको पहले उसको प्रोफेशनल बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होना और फिर अचीव। सर थैंक यू सो मच फॉर दोज लवली एंड लाइवली आंसर्स। सर एट द एंड हमारे आप HBTU के स्टूडेंट्स को या यहाँ के एलुमनाई को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें तो? मेरा मैसेज यही है कि सभी से कि जिस तरह HBTU का नाम यहाँ के पहले लोगों ने रोशन करा है, तो मैं आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जिस तरह आपके एलुमनाई ने यहाँ का नाम रोशन करा है, आप भी उसको रोशन करिए ताकि HBTU का नाम हमेशा लाइफ में चमकता रहे। थैंक यू।